हमारी जो बिजली पानी की समस्या है उसको मैं एक ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जब वो सारा कुछ हुआ तो मेरे बहुत सारे लोगों ने काफ़ी स्थानीय नेताओं से मिले, एक डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिला, उनसे आग्रह किया और अब तो मैं आ ही गया हूँ, बहुत जल्दी उनसे मिलने की कोशिश करूँगा। पिछले कल भी कुछ हमारे लोग गए हुए थे टाइम लेने के लिए, तो हमारे को 26 तारीख के बाद का टाइम शायद मिलेगा क्योंकि 26 तारीख तक हमें बताया गया कि CM साहब व्यस्त हैं। मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़कर और ज़रूरत पड़ेगी तो पाँव पकड़ कर भी उनसे आग्रह करूँगा कि उस लंगर को ऐसे ही चलने दें जैसे है, कोई बात नहीं, बिजली पानी आपने नहीं देना अभी भी मत दें, लेकिन हमें वो लंगर चलाने दें। मैंने अपनी पहली बारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था BJP जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद और आजकल तो एक नई पार्टी आई है आम आदमी पार्टी, वो भी जिंदाबाद। सभी के सहयोग से वो लंगर चल रहा है और सरकार ने अभी 15 अप्रैल को बहुत सारी घोषणाएं की हैं जिसमें बिजली पानी फ्री किया गया है और मुझ पर जब वो लंगर हॉल खाली कराया गया तो ये कहा गया कि अवैध है, मैं बिजली पानी की चोरी कर रहा हूँ, तो चाहे तो वो मुकदमा चला सकते हैं और वो मुकदमा जो भी बनेगा मैं उसको झेलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब तो आपने ऐलान खुद ही कर दिया कि गरीबों के लिए बिजली पानी मुफ्त देंगे, तो अब हमारे को दे दो ताकि वो जो बिजली और पानी का रोज़ हमारा एक्स्ट्रा खर्च टैंकर्स के माध्यम से, 2 टैंकर पानी हमें रोज़ मंगवाना पड़ता है उस लंगर को चलाने के लिए जो हमारे को 2500 रुपये रोज़ का पड़ता है और पूरी सर्दियों में भी वो लंगर चला, गर्मियों में भी। लेकिन एक स्थिति थोड़ी सी, मैं IGMC प्रशासन से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि हम अपना लंगर हॉल नहीं खोल सकते, हालांकि अब दोबारा से कोविड सिचुएशन आ गई है, 2 साल तो कोविड की वजह से बंद रहा, आजकल बिजली पानी की वजह से वो बंद है, तो हमें वो लंगर बाहरी सीढ़ियों में बैठा कर उनकी पार्किंग में बैठा कर, थोड़ी अव्यवस्थाएँ तो हैं तो वो हमारे साथ कॉपरेट करें क्योंकि जो गरीब आदमी आ रहा है वो तो ज़मीन पर भी बैठ कर खा लेगा, भूखे का कोई धर्म नहीं होता, भूखे की कोई पार्टी नहीं होती, मैं ये सबको कहना चाहूँगा। और ना मेरी कोई पार्टी है, ना मैंने अभी तक झाड़ू उठाया है, ना फूल उठाया है और ना हाथ उठाया है और ना मेरा उठाने का कोई इरादा है।